हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है, मतलब शादी का दिन, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा बहुत नर्वस भी कि कैसे क्या होगा। अभी आपको बता देता हूँ, बारात जाने वाली है खाजरेवा सीकर से उदयपुर के लिए और डिस्टेंस रहने वाला है करीब 425 किलोमीटर। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, बारात रवाना होने वाली है सुबह जल्दी, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिसे पूरा करने में करीब 9 to 10 आवर्स लगने वाले हैं, और दूसरा रीजन है जो फेरों का टाइम है वो है जल्दी का। नॉर्मली रात के होते हैं 2 या 3 बजे के, लेकिन अपने जल्दी का मुहूर्त निकला है 8 बजे गोदली वेला वाला मुहूर्त, जो काफ़ी शुभ होता है। और भाई मुझे यहाँ सुबह 5 बजे उठा के बिठा दिया है तैयार करने के लिए। वैसे मैं 4 बजे से उठा हुआ हूँ और रात को सोए थे करीब 3 बजे, क्योंकि संगीत प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अभी नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और यहाँ हम रेडी हो गए हैं शेरवानी और साफा पहन के, और जॉय भी रेडी है, लेकिन जॉय हमारे साथ नहीं जा रहा है। और अब टाइम आ गया है घोड़ी पर बैठने का, और टाइम हो गया है सुबह के 9। वैसे 8 बजे बारात रवानगी का टाइम था, लेकिन यहाँ थोड़ा लेट है। और यहाँ के सभी प्रोग्राम होने के बाद अब टाइम आ गया बारात रवानगी का। उससे पहले मंदिर जाके सभी देवी देवता की भोग लग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि सभी काम अच्छे से हो। और फाइनली हम सब 10:15 बजे यहाँ से रवाना हो जाते हैं, और मैंने रास्ते में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जो भी वीडियो है कैमरा वाले भैया से लिए हैं, क्योंकि इस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और एक लंबे सफर के बाद हम करीब 5:30 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, राघवगढ़ होटल। और ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, मेरा एंगेजमेंट प्रोग्राम ही हुआ था 4 महीने पहले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और करीब 1 घंटा रेस्ट के बाद सबसे पहले होटल में ही ये कार्यक्रम होता है जिसे बोलते हैं बारात समय ले लेना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अब बारी आ गई है फेरे लेने की, जो कि होने वाले हैं घर पर ही, और सभी बाराती बैंड बाजे के साथ चल पड़ते हैं। और भाई मुझे पता नहीं, कुछ अलग ही लग रहा है जिसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं घर के सामने तोरण गेट पर, जहां सबसे पहले तोरण की रस्म होगी।
और उसके बाद दूल्हे मतलब कि मेरी पूजा, और बाकी कौन सी रस्म हो रही है मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। और फाइनली बारी आ गई अग्नि के सामने सात फेरों के सात वचन लेने की। पहले तीन फेरों में दुल्हन आगे रहती है, बाद के चार फेरों में दूल्हा आगे रहता है। दूल्हा दुल्हन को सात वचन देता है, वही दुल्हन भी दूल्हे को सात वचन देती है। इसके बाद विवाह संस्कार कार्यक्रम पूरा होता है। ऑल राइट दोस्तों, तो भाई फाइनली यहाँ पर सारे कार्यक्रम कंप्लीट हो चुके हैं, फेरे भी कंप्लीट हो चुके हैं, और भाई आज से मैं हो गया हूँ शादीशुदा। अभी तक बैचलर था लेकिन अभी हो गया हूँ अभी से शादीशुदा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुए। नेक्स्ट वीडियो आपको ब्लॉग मिलेगा प्रॉपर, ये मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा था क्योंकि मैंने ये वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।